नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। रीवा के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के दो मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ है। इनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस इंजेक्शन के मरीजों का सफल ऑपरेशन राहत देने वाला है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर दो सफल ऑपरेशन किए हैं। इन मरीजों की हालत चिंताजनक थी। एक मरीज के आंखों में इन्फेक्शन था और उसे दिखाई देना बंद हो चुका था। दूसरा मरीज नाक में इन्फेक्शन का शिकार था। इन्फेक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर ने दोनों मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऑपरेशन में एक मरीज की आंखें निकालनी पड़ी हैं, जबकि दूसरे के साइनस से बाहर ब्लैक फंगस ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है। इस ऑपरेशन की टीम में नाक, कान, गला, नेत्र, सर्जरी, मेडिसिन की टीम एक साथ थी। मेडिकल कॉलेज में अभी 28 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। यहां पर 4 की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। आज कुल 28 मरीज भर्ती हुए हैं। आज 28 मरीज हैं अभी तक हमारे वार्ड में, म्यूकर माइकोसिस वार्ड में। उनमें से 23 मरीज म्यूकर माइकोसिस वार्ड में हैं, 5 जो गंभीर हैं वो आईसीयू में हैं। और अभी तक का जो अध्ययन है, जो भर्ती हुए हैं हमारे यहाँ, उनमें से 7 अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं। 15 ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड हैं। पोस्ट कोविड मतलब जिनको पहले कोरोना हुआ है, अभी कोरोना नहीं है उनको। और ऐसे 6 मरीजों का पता चला है जो उनको कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था। और अभी तक हमारे संस्था में, हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्पिटल में 17 आज दिनांक तक नेजल एंडोस्कोपी हुई है। नेजल एंडोस्कोपी मीन्स एक ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्रक्रिया है, एक एंडोस्कोप से हम देखते हैं नाक के अंदर डाल के दूरबीन पद्धति से, जिसमें हमें दिखाई देता है कि ब्लैक फंगस के प्रमाण मौजूद है कि नहीं, ब्लैक फंगस है कि नहीं है नाक में, टिश्यू सड़ तो नहीं रही है, ब्लैक्स तो नहीं पड़ रही है, साइनस के आसपास कोई ब्लैकनेस सड़ तो नहीं रहा टिश्यू, और ब्लैक फंगस का एविडेंस। वहीं भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने बताया कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक के लिए मंत्री समूह की बैठक में चर्चा हुई। 50% सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति पर सहमति बनी है। फिलहाल राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग बंद रहेगी। एक समय में पुजारी के अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मॉल टॉकीज बंद रहेंगे। राज्यों की बॉर्डर पर सख्ती रहेगी और आर्थिक गतिविधि चालू रहेगी। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। एक अनलॉक के लिए जो समिति बनी थी, इसमें जो कोरोना कर्फ्यू की सुनियोजित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसके बारे में एक गाइडलाइन तय कर ली गई है। इस गाइडलाइन को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आज हम डालेंगे। सोमवार को पुनः 11 बजे सभी अनलॉक प्रक्रिया के सम्मानित मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इसमें हम सोमवार को इसको अंतिम रूप। वहीं धार जिले की कुच्छी तहसील के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बता रहे हैं कि जिन गरीबों के प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 1 साल में 360 रुपये और 12 रुपये खातेदारों को काटे गए हैं और जिनके परिवार में जनहानि हुई है, उनको बीमा राशि की जरूरत है, उनको उनकी राशि जो बीमा की है वो दी जानी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको नमस्कार। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना लागू की। पूरे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में और मेरी विधानसभा कुक्षी में भी बैंकों में बहुत सारे खाते खोले गए और उन खातों में 330 रुपये और 12 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से उनके खातों में से राशि काटी गई। आज उन खाते धारकों को आवश्यकता है
कि जो आपकी सरकार ने कहा उस बीमा योजना के तहत उनको जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके परिवार में मृत्यु हुई है, उनको वो राशि उपलब्ध कराई जाए। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और मेरी विधानसभा कोरोना से बहुत प्रभावित है। ना केवल शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना बहुत तेजी से फैला है। बहुत सारे परिवारों में मृत्यु हुई है। आपकी इस योजना का उन परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने भी उन परिवारों के, उन खाता धारक जो है, उन परिवारों के सदस्य को जो वो राशि मिलना चाहिए बीमा की, जल्द से जल्द आप उपलब्ध कराएं, और जो भी प्रकरण इन बैंकों में लंबित है उनका निराकरण जल्दी करवाएं। ये आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। वही अगली खबर रतलाम से है, जहां पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया एक दिवसीय प्रवास पर रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज के डीन से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कॉलेज डीन को आश्वस्त किया है कि कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार में सहयोग किया जाएगा। विक्रांत भूरिया ने अपने पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के विधायक कांतिलाल भूरिया को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज ने कोरोना काल में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में अहम रोल अदा किया है, योगदान दिया है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट और सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे हम आसानी से मुकाबला कर सके। आज हम सब लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को लेकर अभी जितेंद्र गुप्ता सर, डीन सर से भी हमारी बात हुई है, काफी विशेष चर्चा हुई है, क्योंकि कोरोना के समय ये मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जिस तरह से इस मेडिकल कॉलेज ने जो सपोर्ट करा और जो सपना देखा गया था इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के समय, और उसमें कांतिलाल भूरिया जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था जब गुलाम नबी आज़ाद जी थे और स्वीकृत हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात थी, और आज उसको देख रहे हैं कि जो जो कमियाँ अगर हमको दिखती हैं कि एक तो ऑक्सीजन प्लांट की बहुत बड़ी यहाँ पर ज़रूरत है और काफ़ी लंबे समय से बोला जा रहा है कि। वही अगली खबर भोपाल से है, जहां पर जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का इंतकाल होने से सख्ती देखने को मिली है, जिसके बाद में पुलिस ने पुराने भोपाल को लॉक कर दिया है। ओल्ड सिटी लॉक होने से पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। दरअसल अब्दुल रज्जाक जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ में ही सबसे पुराने मदरसा और तर्जुमा वाली बड़ी मस्जिद के संस्थापक भी थे। वहीं पर उनके जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इंदौर में विभिन्न विभागों के अस्थायी नर्सिंग स्टाफ ने दूसरे दिन भी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर भीख मांग कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में सरकार ने आयुष चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट समेत अन्य कई नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति, हॉस्पिटल टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में नर्सिंग स्टाफ का उपयोग किया गया था। प्रदेश में तकरीबन 7 से 8 हजार अस्थायी नर्सिंग जो स्टाफ है वो अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन एकाएक स्थायी नर्सिंग स्टाफ को अपनी नौकरी व रोजी रोटी पर ग्रहण दिखाई देने लगा और उनके द्वारा तीन सूत्रीय मांगों को दो दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरे दिन नर्सिंग स्टाफ द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न चौराहों पर दानपात्र लेकर भीख मांगने का एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है। हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं सभी अस्थायी कोविड 19 में काम करने वाले कर्मचारी जो पिछले एक साल से ऊपर हो गया आपको काम करते हुए, जिसमें आयु चिकित्सक है, अस्थायी तौर पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इंक्लूड है इसमें, और पिछले दो दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारे दो सूत्र मांग को लेकर हड़ताल पर हैं हम लोग।
हमारी मांग है कि सभी जो कर्मचारी हैं अस्थायी कोविड नाइन्टीन उनको संविधान में सवरण किया जाए और समान कार्य समान वेतन। दूसरा ये कि दो दिन से हम लोग हड़ताल पर है और प्रशासन को पूरी जानकारी है, लोकल प्रशासन को पूरी जानकारी है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास भी जानकारी पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जानकारी के लिए आप हमसे पूछने के लिए नहीं आए कि आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं या आप कुछ देखा जाए कि एक मैसेज मिलता है ना कि हम आपके बारे में सोचेंगे संज्ञान लेंगे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आया है। दूसरा ये कि इंदौर में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं कोविड 19 में और उन पेशेंट को सुविधा देने के लिए हमारी जो टीम थी डॉक्टर्स की, वो टीम तो यहाँ पे हड़ताल पर है लेकिन उसकी जगह पर नगर निगम टीम जा रही है, दवाइयाँ दे के आ रही है और उनको उठा के लेके जा रही है। और जहाँ पे जो कोविड पेशेंट आरबी संस्थान महू की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद में रिटायर्ड कर्नल ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सैन्य क्षेत्र में और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले आर्मी कैंट सिविल क्षेत्रों से काफी दूर हुआ करते थे लेकिन अब सैन्य क्षेत्रों में सिविलियंस की आवाजाही बहुत बढ़ गई है जिसके कारण ये आसानी से सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करके इस प्रकार से जासूसी करते हैं जिन पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। बता दें कि महू गवली पलासिया निवासी पूर्व फौजी स्वर्गीय चांद खान की दोनों बेटियों के फेसबुक व व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी जुटाने में जांच एजेंसियां लड़कियों से पिछले चार दिनों से पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियों के पास पाकिस्तानी युवकों से चैटिंग करने के सबूत मिले हैं। जासूसी के शक में पोस्ट ग्रेजुएट दोनों बहनों यास्मीन और हिना को नजरबंद किया गया है और उनके निवास पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। महू एक बहुत सेंसिटिव जगह है और क्लासिफाइड जगह है जिसको आप कह सकते हैं। तीन बड़ी बड़ी यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ट्रेनिंग करने के लिए पूरी इंडियन आर्मी और फॉरेन से लोग आते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर आर्मी की कुछ यूनिट्स हैं। क्या नाम बता पाएंगे सर? उनके नाम जैसे यहाँ जीआर की यूनिट है, इन्फेंट्री बटालियन हैं दो, ठीक है ना। ये रतलाम जिले के जावरा में पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मामला जावरा बरगुंडापुरा का है जहां पर पत्नी के चले जाने से एक युवक नशे की हालत में नगर पालिका की टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। वहीं मौके पर मौजूद नगर निगम कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी ही मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई। ये बरगुंडापुरा जावरा में एक रवि नाम का लड़का शराब के नशे में ऊपर चढ़ गया था। इसकी पत्नी मायके चली गई इसको छोड़कर, तो इसको समझा बुझा देखे बातों बातों में फिर इसके भाई ने और पुलिस ने उसको ऊपर से पकड़ कर नीचे उतारा है और अब ले जा रहे हैं, उसको समझाइश दे रहे हैं। उसके माता पिता वगैरह यहाँ आ गए हैं। तो देखने में तो आया कि पुलिस प्रशासन ऊपर चढ़ा और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको उतारा। हाँ, प्रयास किया है, वो नशे में था, उसको बातों में लगाया, थोड़ा इमोशनल करने के बाद वो उतरने को तैयार हुआ उसके भाई ने और पुलिस ने उसको फिर। कोरोना महामारी ने मध्यम वर्गीय व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं दुकानों में रखा हुआ माल खराब होने की कगार पर है तो कहीं पर माल सड़ भी चुका है। ऐसे में नगर निगम पुलिस प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के हर सिद्धि चौराहे पर देखने को मिला है जहां पर तरबूज की दुकान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नगर निगम व तरबूज व्यापारी आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यापारी वर्ग कितना त्रस्त है। वह नगर अधिकारी से गुहार भी लगा रहा है लेकिन निगम के जो आगे व्यापारी की एक भी नहीं चलती हुई नजर आ रहा है। फिलहाल ये वीडियो तेजी से वायरल है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।